नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। हर घर में सुबह और शाम के समय दोस्तों दिया तो जलाया जाता होगा, पक्का ही जलाया जाता होगा। कहते हैं कि दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और घर में दीपक जलाने से घर में नकारात्मक शक्तियां नहीं रहती। दीपक की ऊपर उठती हुई लौ हमेशा उन्नति और प्रगति का प्रतीक होती है। जिस तरह दीपक अंधकार को हटाने का काम करता है, उसी प्रकार भगवान के आगे दीपक जलाने से जीवन का अंधकार मिटता है। जीवन में नकारात्मकता, दरिद्रता, रोग, कष्ट, पाप आदि का भी नाश होता है। दीपक जलाने से इन सभी चीजों से मुक्ति मिलती है और जीवन में हर कार्य में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक कार्यों के लिए मंत्र है। कोई भी शुभ कार्य करने के दौरान इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार शाम के समय घर में यदि दीपक जलाते हैं तो उस दीपक के लिए भी एक सुंदर से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में कल्याण और लाभ मिलेगा, धन संपदा प्राप्त होगी, सुख शांति प्राप्त होगी, घर में सकारात्मकता प्राप्त होगी। बहुत सारे ऐसे ज्ञात अज्ञात लाभ है जो इस मंत्र का प्रयोग करने से दीपक जलाते समय आपको लाभ होगा। तो वो मंत्र है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर तुमे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। इस प्रकार इस मंत्र का आप जाप कीजिए। दीपक जलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करने से कई विशेष लाभ मिलते हैं। इस मंत्र का मूल यह है कि हमने जो दीपक जलाया है उससे हमारा शुभ हो, कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से धन संपदा में वृद्धि हो, हमारे जो शत्रु हैं उनकी बुद्धि का अंत हो जाए, उनको सद्बुद्धि मिले, परब्रह्म स्वरूप ये दीपक व्यक्ति के पापों का नाश करता है। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह और देवी देवता के लिए अलग अलग तरह के दीपक जलाने की बात कही गई है। दीपक में कौन सा तेल जलाना चाहिए, किस देवता के लिए किस प्रकार का दीपक होना चाहिए, इन सब का वर्णन इसमें किया गया है। दीपक में एक मुखी, दो मुखी, तीन मुखी और चार मुखी दीपक जलाने का अपना अपना अलग महत्व होता है। दीपक में तेल का भी अपना अपना महत्व होता है। तेल का संबंध ग्रहों से होता है, इसलिए देवताओं के सम्मुख विशेष तेल से दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। शनि देव के सम्मुख सरसों के तेल का दीपक, हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दीपक जलाया जाता है। वही मांगलिक कार्यों में शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार से यदि आप ध्यान देंगे तो दीपक जलाते समय इन सावधानियों को और इन कर्मों को करके आप बहुत अच्छे लाभ में रहेंगे, लाभ प्राप्त होगा, जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा मित्रों।